पाँच पहले अभी एक महिला मेरे घर पे आई, वो यूएस से आई थी और बहुत ही उनकी कंटेंट थी, उनको मेरे बारे में पता चला योगा के बारे में, तो घर पे चल के योगा सीखा, एक घंटे तक मैंने उनको योगा पे व्याख्यान दिया। मुझे ये कहा कि आप बहुत लकी हैं कि आपका भारत देश में जन्म हुआ जहाँ योगा जैसी परंपरा है। तो मुझे गर्व है इस बात पे कि मेरा उस देश में जन्म हुआ जहाँ पतंजलि ऋषि जैसे योगा गुरु हुए हैं, जहाँ महान योगा के ग्रंथ हुए हैं जिनको कि एक बार आदमी पढ़ता है तो उसको जीवन की राह मिल जाती है। भगवत गीता में करीबन 700 श्लोक हैं, आप एक श्लोक पढ़ें और उसका अनुसरण कर लें, जिंदगी आसान हो जाती है। तो जो पतंजलि ऋषि हैं उनका एक मुख्य ग्रंथ है पतंजलि योगा सूत्र। पतंजलि योगा सूत्र का जो पहला सूत्र है वो है अथ योगा अनुशासनम। ये अथ शब्द पे विशेष ध्यान देना चाहिए। अथ योगा अनुशासनम मतलब नाउ इज द टाइम फॉर योगा। ये नाउ क्या है? नाउ इज अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग। नाउ मतलब अब, जब मुझे जिंदगी के बारे में सारी समझदारी आ गई है, मुझे समझ में आ गया है कि ये जीवन जो है ये कोई इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रोजेस, यहाँ कोई फूल के पत्ते नहीं है आपके पद पर हमेशा। ये जीवन वो जीवन है जहाँ माता की गोद से लेकर मृत्यु की गोद तक आपको पीड़ा और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कोई ऐसी दवा नहीं है, कोई ऐसा गुरु नहीं है जो आपकी सारी पीड़ाएं बोल दे कि आप मेरी शरण में आ जाए सब खत्म हो जाएगा, कभी नहीं होगा। एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, वो सुबह सुबह बहुत परेशान थे, उनके शिष्य ने उनको पूछा जाके कि आप इतने परेशान क्यों हैं? तो बोले बहुत ही गंभीर समस्या है, मैं इतने ज्यादा परेशान कभी नहीं हुआ। बोले ऐसा क्या हो गया? बोला हुआ ये कि रात को सपने में मैं तितली बन गया। तो उनके शिष्य हंसने लगे, बोले ये क्या मजाक की बात है, तितली बन गए तो सपने में तो आदमी कुछ भी बन सकता है। और उन्होंने बोला ये बहुत ही गंभीर समस्या, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। बोले अगर श्वान गुरु सपना देख सकता है कि वो तितली है, तो तितली भी तो सपना देख सकती है कि वो श्वान गुरु है, और अब मैं कैसे पता करूं कि मैं सपने में हूं या हकीकत में हूं? तो सफरिंग वहां भी है। अब जब हमें पता चल गया कि सफरिंग इज ऑलवेज पार्ट ऑफ लाइफ, अब अगर आप भगवत गीता आप लोगों ने पढ़ी होगी, एटलीस्ट आपको ब्रॉड आउटलाइन पता है कि भगवत गीता में क्या है। तो भगवत गीता में भी अर्जुन पूरे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करना चाहिए, कर्तव्य भूल जाते हैं। कृष्ण से पूछते हैं कि चंचल अरि मन कृष्ण प्रमाथि बलवत गणन तत्याम निग्रह मन्ये वायुरिव दुष्करम। बोलते हैं प्रभु ये मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो सारी सफरिंग होती है, आती जाती सारी परेशानियां होती है, वो केवल मन का खेल है। किसी आदमी को आप डांट दो कुछ भी नहीं होता है, किसी आदमी को आप तू करके बोल दो वो परेशान हो जाता है। तो जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया वो परेशानी से मुक्त हो जाता है, जिसने मन को कंट्रोल नहीं किया वो मुक्त नहीं हो पाता है। तो भगवान इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, बोलते हैं भगवान असंशय भी महाबाहो मनो दुख निग्रह चलन अभ्यास देना कौनते ही वैराग्य भी लेते। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज ये है कि मन को कंट्रोल करने के लिए अभ्यास की बहुत जरूरत है, प्रैक्टिस। और दूसरा है वैराग्य। वैराग्य मतलब ये नहीं कि आप जंगल में जाके तपस्या करने लगते हैं, वैराग्य मतलब ये है कि आप में एक नॉन अटैचमेंट की भावना है, आप में डिजायर बहुत कम है, इच्छाएं आपने अपनी अपनी सीमित कर रखी है। तो अगर अभ्यास की बात करें तो प्रैक्टिस कैन ओनली मेक यू सक्सेसफुल, नहीं होगा। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। मेरा हाथ अगर मुझे धोना है तो दूसरा हाथ ही मेरा हाथ धोएगा। मुझे अपनी सांस को कंट्रोल करना है तो मेरी सांस ही मुझे सांस को कंट्रोल करने में मदद करेगी, मेरा मन ही मेरे मन को कंट्रोल करेगा। टीवी के सामने बैठ के योगा नहीं सीखा जाता, किसी को सुन के योगा नहीं सीखा जाता। योगा सीखा
जिसे कहते हैं ना जंप स्टार्ट के लिए आप योगा का ज्ञान किसी से इनिशियली ले सकते हैं, पर जो योगा का जो हुनर आप सीखेंगे, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे अकेले में एकांत में बैठ के, तब तक योगा नहीं सीख पाएंगे। तो योगा जब आपको शुरू करना है तो डू ए प्रॉपर एनालिसिस, पूरा डिटेल एनालिसिस कीजिए, आपके जजमेंट में पूरा उसको आकलन कीजिए और फिर उसको अडॉप्ट कीजिए। और उसके बाद जब तक आप फेल नहीं हो जाते हैं, उसको छोड़ते दूसरी जगह मत जाइए। पर्वत के ऊपर पे जाना है, चोटी पे जाना है, तो रास्ते कई हैं, पर ये कभी आपको फायदा नहीं करेगा कि एक रास्ता थोड़ा सा चले फिर रास्ता चेंज करके फिर दूसरा रास्ता चले। तो पहला ये कि अभ्यास करने के लिए एक मार्ग तय करना जरूरी है। और दूसरा ये है कि योगा है वो खुद के साथ सीखा जाता है। तो एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग इस स्टोरी पे। तो डॉग्स होते हैं, डॉग्स कुत्ते बहुत भूखते हैं, पर उन डॉग्स में एक कुत्ता था, बहुत ही स्पिरिचुअल कुत्ता था, सबको समझाता था कि ये जो है भूखना बहुत गलत बात है, हमारी सारी एनर्जी भूखने में वेस्ट हो जाती है। देखो बाकी सब लोगों का कितना उद्धार हो गया और हम अभी कुत्ते के कुत्ते रह गए। लोग सारे कुत्ते जो उसके सामने आते उनका सर उसे सर झुक जाता था। फिर एक दिन कुत्तों के गुरु का जन्मदिन आया, तो उन्होंने सबने सोचा कि आज तो हमारे गुरु जी को हमें गिफ्ट देना है, आज कोई भी भूखेगा नहीं। तो सब कुत्ते चुपचाप एकदम बैठे हुए हैं बिल्कुल साइलेंटली। अब स्पिरिचुअल गुरु कुत्ते वो इधर उधर घूमे, कहीं कोई आवाज नहीं, कोई पकड़ में नहीं आ रहा है जिसको कि ध्यान दिया जाए। उनके भी मन में अब बिल्कुल छटपट करने लगा मन। फिर उन्होंने रात तक इंतजार किया, फिर कोने में अंधेरे में जाकर उन्होंने खुद ही भूखना शुरू कर दिया। अब दूसरे कुत्तों को तो लगा कि ये किसी ने रूल ब्रेक कर दिया, उनको नहीं पता कि उनके गुरु जी ने रूल ब्रेक किया है। फिर उन्होंने बोला अरे यार रूल ब्रेक हो गया, चलो आप आराम से भूखो। तब भूखने लगे और वो गुरु जी वापस आ गए, जब तुम फिर रूल ब्रेक कर रहे हो फिर भूखना शुरू कर दिया। और अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड है योगा सीखने में, एकांत में बैठिए, घर में छत पे बैठिए और जाके फिर योगा प्रैक्टिस कीजिए अकेले में, उसी के साथ योगा प्रैक्टिस होगी। योगा प्रैक्टिस आपकी किसी जीवी के सामने बैठ के जीवी के सामने योगा नहीं होता, सीखने के लिए ठीक है। जब आपको बेसिक्स पता चल जाए, जब आपको पता लग जाए कि ये मुझे करना है, इट इज गुड टू द एक्सटेंट आपको अपना सिलेबस पता लग जाए, उसके बाद आपको अपनी किताब पढ़नी। सिलेबस आप दिन भर नहीं देखते रहते, सिलेबस केवल तब तक देखते हैं जब तक आपको ये पता चलना है कि एग्जाम में क्या क्या आएगा, उसके बाद आप केवल सब्जेक्ट मैटर पढ़ते हैं और वो अकेले भी पढ़ते हैं, और ये आपको योगा के लिए करना है। दूसरी चीज ये वैराग्य। वैराग्य में दो चीजें मेन है, एक तो ये कि आप आज भी मार्केट में जाइए और 20 किलो सोना लेके अपने घर पर रख लीजिए, फिर देखिए आपकी नींद कैसे आराम होगी। बैठे बैठे आपको परेशानी हो जाएगी, स्कूल में बैठे हैं तो घर दिमाग घर बैठा रहेगा कि यार वो सोना 20 किलो पड़ा हुआ घर पर। तो इसका तात्पर्य ये है कि जितना लाइफ में आप पॉजिटिव होंगे उतना ही आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएगी। घर में आपने महंगी महंगी चीजें रख ली, किसी की शादी में गए बाहर, शादी इधर मौका और एंजॉयमेंट बिल्कुल एंजॉय करना चाहिए, पर आपका तो दिमाग घर पर रह गया। एंजॉय कैसे करोगे वहां पे, क्या रहे यार पीछे कौन शर्मा जी का बच्चा सो रहा है, कौन सो रहा है, वहां आ रहा है कि नहीं आ रहा है, घर में कहीं चोरी नहीं हो जाए, पड़ोसी में बहुत चोरी हो रही है, ये तो क्यों ये सब हमने सारे लोग पाल लिए हैं, क्या जरूरत है इसकी। टीवी बिना टीवी के भी काम चल सकता है, बिना सुख सुविधाओं के भी काम चल सकता है। मूल रूप से तीन चीजें चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, वो तीन चीजें बेसिक नीड है, और जितना आप बेसिक नीड्स के क्लोज में आएंगे उतना ही आप सुखी रहेंगे। एक सूफी संत थे, उनके घर में रात को चोर घुसा है, चोर अंधेरा था ढूंढता रहा संत के घर में तो कुछ था नहीं, संत को पता लग गया कि कोई आया है, तो उन्होंने पूछ लिया भैया किसके आए हो, चोर ने बोला ये तो संत है उनसे तो झूठ नहीं बोल सकता, तो उन्होंने बोल दिया कि मैं थोड़ा चोरी करने आया हूँ। तो संत ने बोला भैया मुझे कुछ मिले तो बता देना, 30 साल से तो कुछ मिला नहीं है घर में। तो अगर आप अपने घर में ऐसी स्थिति रखेंगे तो आप आराम से चोर आएगा तो भी उसके साथ आराम से वार्तालाप कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये योगा जो है उसमें सबसे पहली चीज है मन को कंट्रोल करना,
और मन को कंट्रोल करने के लिए प्रैक्टिस और वैराग्य। अब प्रैक्टिस कैसे की जाती है, अभ्यास कैसे किया जाता है? सबसे पहला चीज है अभ्यास के लिए जो क्लोजेस्ट लाता आपको मेडिटेशन के लिए वो है माइंड कंट्रोल के लिए, वो है मेडिटेशन। बड़ा कॉमन वर्ड है, आप सब लोगों ने सुना होगा मेडिटेशन क्या होता है। मेडिटेशन जो सबसे सिंपल मेडिटेशन है वो ये है कि आपको चंद्रमा अच्छा लगता है, मान लिया तो आपने आंख बंद की और अपने माइंड को चैलेंज किया कि चंद्रमा के अलावा कुछ नहीं देखें, सोच भी चंद्रमा के बारे में रहे, आंख बंद करके ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे आप चंद्रमा देख रहे हैं। चंद्रमानी को और अच्छी चीज लगती है, भगवान की मूर्ति अच्छी लगती है वो देख ले, ये तो कोई क्रिएचर अच्छा लगता है वो देख लिया, पर आंख बंद करके एक ही चीज पे ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि चंद्रमा देख रहे हैं। पर होता है कि जिस दिन आप मेडिटेशन शुरू करेंगे 2 सेकंड का चंद्रमा देखेंगे, 3rd सेकंड शाहरुख खान की पिक्चर का ध्यान ना आने होता है, अरे स्कूल जाना है, दूध चढ़ा रखा है, ये वो रखा, मतलब सांसारिक विषयों के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित हो जाता है। तो ये इसलिए होता है कि आपने कोई प्रैक्टिस नहीं की, शुरू में प्रैक्टिस करेंगे 2 सेकंड में। और एक और चीज है कि माइंड और ब्रीन का सिंक्रोनाइजेशन जब अच्छा नहीं होता है तो डिस्ट्रैक्शन बहुत इजीली हो जाता है। तो जैसे माइंड और ब्रेन एंड ब्रीथ, बिटवीन ब्रेन एंड ब्रीथ इट इज द ब्रीथ विच इज द लीडर। आदमी दिमाग नहीं चले फिर भी जिंदा रह सकता है, पर जिस दिन सांस टूट जाती है उस दिन आदमी का अंत हो जाता है। तो योगा में ये सांस का जो इम्पोर्टेंस है ये हजारों वर्ष पहले उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है, और इसी का प्राणायाम के रूप में तरह तरह के तरीके हैं जिससे कि आप सांस पे कंट्रोल करते हैं। सांस पे कंट्रोल करना क्यों आवश्यक है, मुझे क्या जरूरत है सांस को कंट्रोल करने के लिए? अगर आप ये प्रश्न अपने आप से करें तो देखिए आप आकलन कीजिए कि जब आपके साथ कोई विपरीत परिस्थिति आती है, सड़क पे जा रहे हैं एकदम सांप आ गया सामने, तो जैसे ही जो सबसे पहले गाड़ी पटरी से उतरेगी वो है आपकी सांस, एकदम फूलने लग जाएगी। किसी ने आपको आके जोर से डांट दिया पूरी सांस चेंज हो जाएगी, गुस्सा आया जोर से सांस ऐसी फूलती है, और सांस गुस्सा तो थोड़े आ गए मतलब, पर सांस जैसी हवा चलती है जो कि आपको भड़कती जाती है। तो जब यही चीज है योगा में कि सांस पे आप कंट्रोल कर लीजिए तो आप मन पे कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि मन और सांस दोनों डीपली सिंक्रोनाइज है। पर सांस पे कंट्रोल करने के लिए आपको बॉडी पे कंट्रोल करना चाहिए। अभी आप बहुत लोग आप पहले ऐसे बैठे थे, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे बैठे, फिर कभी हाथ ऐसे कर ले, बॉडी में स्टेबिलिटी नहीं है, इधर तो पोजीशन चेंज करना पड़ता रहता है, और जैसे ही पोजीशन चेंज करते हैं ध्यान फिर भटकता है। तो बॉडी की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी ब्रीथ को फोकस करें, और ब्रीथ को फोकस करके सांस पे कंट्रोल करें। तो बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए आपके लिए आसन है। अब अगर आप रात भर क्रिकेट मैच देख रहे हैं और फिर देखें सुबह 6 बजे चलो योगा प्रैक्टिस करते हैं, तो पहले तो उठा नहीं जाएगा, उठ भी गए तो पूरा एक दिमाग में बहुत भार रहेगा। तो इसलिए एक बेसिक लाइफस्टाइल चाहिए आदमी के लिए, शरीर की स्ट्रेंथ के लिए आपको आसन चाहिए, और आसन के लिए आपको बेसिक हाइजीन फैक्टर्स फॉलो करने पड़ेंगे। आप रात भर अगर जगेंगे तो सुबह योगा नहीं कर पाएंगे, अगर आप बहुत ज्यादा झूठ बोलेंगे तो मन विचलित रहेगा, और आपका हमेशा आपके मन में ऐसी भावना रहेगी कहीं कोई पकड़ तो नहीं है आपको, तो मन जब विचलित रहेगा तो भी आप योगा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यम और नियम ये बेसिक हाइजीन फैक्टर्स हैं, इनको फाउंडेशन ऑफ योगा कहा जाता है। तो ये सब हमने रिवर्स ऑर्डर में अभी किया है, अब नीचे से ऊपर चलते हैं। ये सब योगा ऑफ 8 एलिमेंट से इसको बोलते हैं अष्टांग योगा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार गरम ध्यान समाधि। पहले यम नियम फाउंडेशन ब्लॉक, यम मतलब आपको प्रोहिबिटेड चीजें नहीं करनी है, अल्कोहल जो भी चीजें खाने में जिससे आपके शरीर पे विपरीत इफेक्ट पड़ता है वो नहीं करना। नियम ये है जो कि आपकी बॉडी को जिससे सुकून मिले वो लाइफ स्टाइल, रात भर आप देखेंगे तो शरीर के ऊपर बहुत पीड़ा होगी, तो ऐसा कोई काम करना नहीं जिससे शरीर पे पीड़ा हो। तो ऐसे कई प्रिंसिपल्स हैं नियम के अंदर, पर बेसिकली ये है कि बॉडी आपको उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ये नियम है। आसन है फिजिकल पोस्चर्स हैं, किसी भी वेबसाइट पर जाएंगे सारे आसन मिल जाएंगे आपको,
और मेरी वेबसाइट पे जाएंगे vimalyoga.com, उस पर आपको वीडियो भी मिल जाएगा क्या बिगिनर कैटेगरी, क्या एडवांस कैटेगरी, क्या इंटरमीडिएट कैटेगरी है, पूरे सबकी वीडियो डालो तो आप पूरा उसको देख के हासिल कर सकते हैं। प्राणायाम ब्रीदिंग टेक्निक जिससे आपको अपनी ब्रीथ कंट्रोल कर लेना, और ब्रीथ कंट्रोल करने के बाद मन कंट्रोल करना है मेडिटेशन से, और जब मन कंट्रोल हो गया तो आप जब भी आपको सफरिंग मिलेगी, जब आपका मन वायु की तरह बिल्कुल मन भर लिया जाता है, तब आपको ये मेडिटेशन काम में आएगा। मेडिटेशन तब काम में नहीं आता है जब सब चीज नॉर्मल चल रही है, पर ना तो ज्यादा देर तक चलती नहीं, थोड़ी देर में सरप्राइज आ जाता है, सब कुछ अच्छा होता है, सडनली कहीं से कुछ गड़बड़ हो जाती है और बिल्कुल मूड खराब हो जाता है। और जब मूड खराब हो उस टाइम, उस टाइम जो आपने टेक्निक सीखी है प्राणायाम की, एकदम ठंडी सांस लेनी है, उस चीज के बारे में नहीं सोचना है जिसके कारण मूड खराब हुआ, किसी और चीज के बारे में सोचना, इससे आपका स्ट्रेस पूरा कम हो जाता है। तो ये सब जो हमने अभी तक डिस्कशन किया है ये साइंस ऑफ योगा के अंदर आता है, ये योग विज्ञान कहा जाता है। पर योग विज्ञान का ये है कि अगर आपने दिन भर आपने काम किया है, इधर उधर तनाव आप कलेक्ट करते जाते हैं, और योग विज्ञान का तनाव रिलीज करते हैं, पर ये योगा का दार्शनिक रूप होता है, फिलोसफी ऑफ योगा। फिलोसफी ऑफ योगा ये है कि मैं तनाव ही नहीं लेता हूं, आई डू नॉट कलेक्ट द स्ट्रेस, सिचुएशन मेरे सामने आती है पर मेरी मेंटल स्टेटस इतना स्ट्रांग है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने आप से दूसरे को अलग नहीं मानता हूं, हम सब एक हैं। अगर मैं इस हिसाब से चलूं कि आज जैसे उंगली में दर्द हो रहा है तो उंगली को अलग तो नहीं समझते ना, उंगली के कारण दर्द हो रहा है, आप ही की उंगली है, पर ये तो नहीं सोचते कि अरे उंगली को दर्द क्यों कर रही इतना, क्योंकि वो आप ही की उंगली, आपको लगता है। इसी तरह जो फिलोसफी ऑफ योगा में जो अंडरस्टैंडिंग ये है कि जैसे आकाश है, सब तरफ आकाश है, और खाली मटके के अंदर भी आकाश है, मटका केवल आकाश को होल्ड कर रहा है, बाकी है तो सब में आकाश है। इस तरह इंडिविजुअल्स आल्सो हैव द सेम सोल, इट इज जस्ट द बॉडी विच इज लाइक ए पार्ट विच सेपरेट द इंडिविजुअल बट वी आर वन। जब ये आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि हम सब एक हैं, तो अपने आप समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप और मैं अलग नहीं है। और जब वो चूंकि आ जाती है, और ये मतलब बात करते हुए अगर सुनते वक्त बहुत ईजी लगता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, पर उसको जब इम्प्लीमेंट करते हैं तब बहुत डिफिकल्टी आती है, इसलिए इसके ऊपर बहुत डीप थिंकिंग होनी पड़ती है, बहुत डीप मेडिटेशन होता है, तब जाके ये चीज आप अपना सकते हैं लाइफ में। एक योगा के जो दार्शनिक रूप है उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, आप में से कई लोगों ने कहानी सुनी थी होगी। तो एक ऋषि मुनि थे, 25 वर्ष तक उन्होंने गुफा में तपस्या की, उन्होंने सोचा चलो अब मेरा एक लेवल हो चुका है, अब मैं बाहर जाता हूँ। वो बाहर आए, गुफा में तो कोई नॉइज नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, बिल्कुल साइलेंट, आराम से मेडिटेशन करते रहो, किसी तरह की कोई आवाज नहीं, कोई चीज देखने के लिए नहीं। जैसे ही बाहर आते हैं वो दो पक्षी पेड़ पे बैठ के झगड़ा करते थे, वो थोड़े विचलित हो गए ऋषि मुनि, और जैसे उन्होंने विचलित होकर पक्षियों को देखा, पक्षी जल के राख हो गए। तो सेंट को अपने अचीवमेंट पे बड़ा गर्व हुआ, देखो मैंने 25 साल तपस्या की, मेरा एफर्ट वेस्ट नहीं गया, मेरे में इतने पावर आ गए कि मैं अगर विचलित भी हो जाऊं तो प्रकृति उसको सॉल्व कर देती है। सेंट जनरली भिक्षा के ऊपर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, तो ये सेंट जाके गांव में एक दरवाजे के आगे खटखटाते हैं भिक्षा के लिए, तो अंदर से जवाब आता है एक बूढ़ी महिला का कि अभी रुके मैं आ रही हूं। सेंट फिर 10-15 मिनट वेट करते हैं, फिर खटखटाते हैं, फिर बूढ़ी महिला बोलती है कि महाराज जी रुकी है, मैं वो दो पक्षी नहीं हूं, इसका मैं तो मोबाइल वगैरह टीवी वगैरह कुछ नहीं था। तो उनको अपने अंतर्ज्ञान से ये सब पता चल गया कि ये क्या बात है। तो सेंट को बहुत आश्चर्य हुआ कि जिस चीज के लिए उन्होंने 25 साल एक गुफा में लगाए, द स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट, उस स्टेट को ये गृहस्थ बूढ़ी महिला गृहस्थी में रहकर उन्होंने अचीव कर लिया। तो आश्चर्यचकित रहते हैं, फिर इंतजार करते हैं, थोड़ी देर बाद बूढ़ी महिला आती है, उनको अन्नदान करती है और क्षमा मांगती है कि मैंने आपको इंतजार करवाया। तो सेंट पूछते हैं कि मुझे आपसे एक ही चीज पूछनी कि आपने ये स्टेट कैसे अचीव की। तो बोलती है इसमें कुछ भी सीक्रेट नहीं है, मेरी शादी आज से 50 साल पहले हुई, और शादी होते ही मेरे हस्बैंड बीमार पड़ गए,
और बीमार भी ऐसे पड़ेगी बिस्तर से नहीं उठ सकते। और पिछले 50 वर्षों से मैंने घर का कामकाज भी किया है, जो संपत्ति की जरूरत होती है घर चलाने के लिए उसका भी इंतजाम किया है। और मैंने सोच लिया कि जीवन एक एक्सपीरियंशियल जर्नी है, ये जीवन बस केवल आपको एक सेटअप एक्सपीरियंशियल से जाना है। तो मैं इसी हिसाब से चलती हूँ कि मेरे हाथ में कुछ नहीं, प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमुणाता विमुणात्मा कर्ता मिति मन्यते। इसका मतलब ये है कि इट इज नेचर विच इज वर्किंग। हम लोग तो केवल कठपुतलियों की तरह हैं। आप खुद सोचिए, आप कई बार आप सुबह सुबह घर से बहुत अच्छे मूड में निकलते हैं, पूरा अच्छा पूजा पाठ किया सब किया, घर से निकले आके कोई साइकिल वाला कट मार गया आपके लिए, आपने वो सिचुएशन क्रिएट नहीं की, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। पर ऐसा ही होता है कि नेचर वर्क्स, नेचर क्रिएट सिचुएशन फॉर यू। एंड जब आपको ये लग जाए कि नहीं, ये लाइफ है एक्सपीरियंस जर्नी, लेट मी गो थ्रू एक्सपीरियंस विदाउट रिएक्टिंग, मुझे ये अनुभव लेने दो, पर मैं अपनी तरफ से कोई भावना प्रकट नहीं करूंगा, चुपचाप ये अनुभव को महसूस करूंगा। तो ये बूढ़ी महिला ने किया। फिर बूढ़ी महिला ने बोला, अगर आपको जानना है और तो जो मार्केट में जो कसाई है उससे जाके मिल जाए। तो स्वामी जी कसाई के पास जाते हैं, तो जैसे ही कसाई स्वामी जी को देखता है बोलता, वो बूढ़ी महिला ने आपको भेजा इधर, वो भी क्या नहीं थे। फिर स्वामी जी संकट में पड़ गए, ये क्या। फिर देखते हैं क्लोजली कि कसाई कैसे काम करता है। ग्राहक से पूछते भैया कितना मीट चाहिए, बोलता है इतना चाहिए, मीट देते हैं। ग्राहक पूछता है कितना पैसा दूं, बोले तुम्हारी मर्जी है जितना दे। और ऐसे करके धीरे धीरे उसने अपनी दुकान समेटी और स्वामी जी से पूछा, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आप। स्वामी जी ने बोला, मैं आपसे वार्तालाप करना चाहता हूँ। है तो कसाई, पर स्वामी जी ने उनसे निवेदन कर रहे हैं कि मैं आपसे वार्तालाप करना चाहता हूँ। बोले उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब दुकान खत्म करता हूँ उसके बाद मैं अपने माता पिता की पहले सेवा करता हूँ, घर जाता हूँ माता पिता की सेवा करता हूँ, उनके लिए भजन वगैरह गाता हूँ और फिर मैं आपसे बात करता हूँ। स्वामी जी उनके साथ जाते हैं, देखते हैं, घर पे जाके वो अपने माता पिता की सेवा करते हैं। फिर स्वामी जी पूछते हैं कि अब आप बताइए कि चीजें आपने इतनी कैसे अचीव की। तो बोले कि मेरे को मेरे माता पिता ने एक ही चीज सिखाई है कि अगर कोई जानवर मर जाए तो उसकी चमड़ी कैसे निकालना और मीट कैसे बेचना, ये मुझे एक ही चीज आती है और कुछ नहीं आता। पर जो मैं अपना काम करता हूँ बिना फल की इच्छा के करता हूँ, मुझे मीट बेचना है, कोई कितना भी मांगे मैं उसको दे देता हूँ, और वो कितना भी पैसा दे मुझे इसको मतलब ही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे हाथ में तो केवल कर्म है, फल नहीं। तो अब ये जो कहानी है, ये योगा के तीन मार्ग के बारे में अच्छी तरह व्याख्यान करती है। पहला मार्ग है ज्ञान योग का, योगा ऑफ नॉलेज, जिसके लिए भगवद गीता में श्लोक है द्वितीय अध्याय में, वातांति जिनानि यथा व्याय नवानि गृह्णाति नवोपराणि तथा शरीराणि व्याय जिन्यानि अन्यानि तयापि नवानि देहि। ये शरीर है, ये वस्त्र के समान है, आपके कपड़े फट जाते तो आप क्या करते हो, उठा के फेंक देते, पहनते नहीं उनको। तो इसी तरह आत्मा जो कि हमारे शरीर में जो लाइफ एनर्जी है, जब ये शरीर पूरा बूढ़ा हो जाता है तो वो शरीर को छोड़ते दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो ये है योगा ऑफ नॉलेज। जो कसाई है वो योगा ऑफ एक्शन फॉलो करते हैं। कर्मण्य वाधिकार से माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूमा ते संगोत्त अकर्मणि। मतलब बड़ा सिंपल है, इस श्लोक का ज्यादातर लोग एक ही मीनिंग निकालते हैं कि आपका केवल कर्म करने के में अधिकार है, फल में आपकी कोई इच्छा नहीं होनी, ये तो एक अर्थ है। पर जो दूसरा अर्थ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट अर्थ है, वो ये है कि आपको एक तरह के कार्य के प्रति विशेष रुझान नहीं होना चाहिए और किसी कार्य के प्रति ऐसा भी नहीं ये तो मेरा काम नहीं। तो जब आप ऐसी स्थिति में आ जाते हैं तो आपको न तो आपका किसी काम के प्रति अट्रैक्शन है, न रिपल्शन है, न आप में वो जिज्ञासा है कि फल की इच्छा करूं और फिर काम करूं। क्योंकि देखिए, अगर आपके हाथ में सब कुछ होता तो आपने अब तक जितने एग्जाम दिए ना उसमें सब में 100 में से 100 आते।
आपके हाथ में कुछ है नहीं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, हमारे हाथ में केवल प्रयास करना है। कई बार प्रयास करते हैं, प्रयास कम करते हैं, पेपर इजी आ जाता है, मार्किंग इजीनियट हो जाती है, नंबर बहुत अच्छे आ जाते हैं। कई बार बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। मुझे पता है, मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मैं बहुत मेरा स्पेशल इंटरेस्ट था और डेटाबेस मुझे अच्छा नहीं लगता था इतना, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की, जम के मेहनत की, खूब मेहनत की, पर उस टाइम पेपर बहुत ही करवा तो 50 नंबर आए सौ में। और डेटाबेस मैनेजमेंट जिसको मेरा इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है पढ़ लेते हैं समझ लेते हैं, उसको समझ लिया, पेपर भी बहुत ईजी है, मार्किंग भी ईजी हो गई, उसमें 75 नंबर आ गए। तो मेरे एफर्ट तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ज्यादा थे, पर नंबर डेटाबेस में ज्यादा आ गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि रिजल्ट के ऊपर आपका कभी कंट्रोल नहीं है। आपके हाथ में यही है कि बस पकड़नी है तो घर से जाओ, पैदल चल के बस स्टैंड तक पहुंचो, बस में पहुंचने के बाद सीट मिले या नहीं मिले ये आपकी किस्मत है। एफर्ट और रिजल्ट में इतना ही डिफरेंस है। तो ये है योगा का फिलोसॉफिकल गोल, जिसको कि अगर आप एटीट्यूड शिफ्ट हो जाता है इससे, और एक मार्ग अगर आप अपना ले इनमें से, तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। अगर आप सोच लें कि नहीं बस मुझे अपना जाके आराम से क्लास लेनी है या क्लास में जाके पढ़ना है, और मुझे ये मतलब नहीं कि कितने मार्क्स आने हैं, मुझे मतलब है कि मुझे कितना अच्छा नॉलेज है। व्हेन यू कैन रीच दैट स्टेज, योर एंटायर एजुकेशन पीरियड विल बिकम वेरी इजी। आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी पढ़ाई करने में, पर पढ़ाई करने में तकलीफ तब ज्यादा बढ़ जाएगी तब आप बोलेंगे कि इस साल तो फर्स्ट डिविजन ही आना चाहिए, इस साल तो ये नंबर आना चाहिए, ये टारगेट आना चाहिए। टारगेट ओरिएंटेड जो एफर्ट्स होते हैं वो लाइफ में कुछ टाइम तक तो ठीक लगते हैं। इवन आपके पेरेंट्स आपको एनकरेज करेंगे, सोसाइटी एनकरेज करेगी कि नहीं नहीं बिल्कुल 95% टारगेट करके चलो, पर लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट गेटिंग मार्क्स। जिंदगी 25 साल के बाद नंबर लाने के लिए नहीं होती है, जिंदगी होती है कि कैसे आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, लाइफ में कितना आप हैप्पीनेस फील कर रहे हैं। हैप्पीनेस के लिए बहुत बड़ी बात कही है, जो मुक्ति होती है लिबरेशन, नो मुक्ति विदाउट भुक्ति, भुक्ति मीन्स एंजॉयमेंट। भुक्ति के बगैर मुक्ति नहीं होती। भुक्ति क्या होता है? एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट ये नहीं है आपके आप सेलिब्रेट करते रहे और जब बुरी चीज हो जाए तो आप एकदम कोने में बैठ जाए। एंजॉयमेंट ये होता है कि अच्छा और बुरा दोनों आप सेलिब्रेट करें। जब आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि अच्छा और बुरा दोनों सेलिब्रेट करें तो आप अपने आप मुक्ति मिलेगी। तो वो स्टेज तब पहुंच पाएंगे जब आप अपने लिए बॉन्डेजेस नहीं रखेंगे, क्योंकि ये तो बिल्कुल पक्का है कि अगर आपने 10 डिजायर रखी कि भाई ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, तो मैं देखो 2-3 होगी, 7-8 तो होंगी नहीं, तो 7-8 बार तो आप बिल्कुल बाइक बैठे रहेंगे, फिर 2 बार ही खुश रहेंगे, क्योंकि डिजायर आंसर सबसे बहुत ज्यादा है। तो ये है फिलोसफी का जो बेसिक एडवांटेज है, ये है कि इट शिफ्ट्स योर एटीट्यूड, इट शिफ्ट्स योर अप्रोच फॉर लाइफ। आपकी बिल्कुल जीवन शैली बदल जाती है। जब आदमी सोच ले कि मैं कुछ भी नहीं हूँ तो बिल्कुल उसको सारी समस्या बिल्कुल हल्की लगने लग जाती है, कि जब मैं खुद ही टेम्परेरी हूँ, मेरी खुद ही का अस्तित्व बिल्कुल टेम्परेरी है, तो ये प्रॉब्लम क्या है मेरी लाइफ की, ये तो बिल्कुल ही टेम्परेरी होगी। तो जब ये स्थिति आ जाती है तब आपके लिए लाइफ बिल्कुल ईजी जर्नी हो जाती है। तो योगा के लिए 2-3 चीजें का ध्यान बहुत जरूरी है, कि जब योगा का पथ का अनुसरण करते हैं तो एक भगवत गीता में 2 श्लोक अच्छे रहे हैं, नास्तिष्ण तत्व योगोति न चेकान मनस न कर न जाति स्वप्न शीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुना। इसका मतलब ये कि ये योगा उसके लिए नहीं है जो या तो बहुत ज्यादा खाता है या भूखे मरता है, ये उसके लिए भी नहीं है जो कि बहुत सोता है या रहता ही रहता है। योगा उसके लिए है जो कि नियमित लाइफ जिए, क्योंकि एक्सट्रीम पे जाके आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। आपको एक मिडिल पाथ पे रहना है हमेशा, इधर या उधर बिल्कुल मिडिल पाथ पे चलेंगे जब आप बैलेंस लाइफ अचीव कर पाएंगे। तो एक चीज ध्यान में रखने की है कि जो दार्शनिक रूप है योगा का और जो वैज्ञानिक रूप है योगा का, इससे आपको अगर सिंपल लाइफ है तो बहुत बड़ा सहारा मिलता है, पर आजकल लाइफ भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। पुराने जमाने में लोग केवल थोड़ा बहुत काम करते थे, सिंपली काम करते थे, इतना सब लाइफ में हेडेक नहीं थे कि केबल का बिल अलग आ रहा है, बिजली का बिल अलग आ रहा है, नल का बिल अलग आ रहा है और इनकम टैक्स का अलग भुगतान करने के, सब डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन, एवरी पर्सन इज ओवरलोडेड विद 10 डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन।
हर समय दिमाग में बोल जाता है ये हुआ कि नहीं हुआ, वो उन्हें हुआ कि नहीं हुआ। आप देखिए 300 साल पहले आदमी के पास कुछ था ही नहीं, उसको ना तो बिजली का बिल भरना था, ना मोबाइल का बिल, ना केबल का बिल, ना कुछ, टेंशन फ्री लाइफ, आराम बिल्कुल। परवाह है तो केवल एक ही, थोड़ा भोजन मिल जाए। और जो दूसरी चीज पुराने जमाने में आदमी बहुत ज्यादा करते थे वो करते थे डिवोशन, भक्ति। और भक्ति एक ऐसी चीज है कि जिसके बिना आपका जीवन हमेशा अधूरा रहता है। अब अधूरा इसलिए रहता है कि जब तक आदमी अपने आप को सरेंडर नहीं करता है तब तक वो सोचता है मैं कुछ हूं। जब आदमी भक्ति करने लग जाता है तो वो सोचता है कि मेरे ऊपर एक भगवान है, या मेरे ऊपर एक अल्लाह है, या मेरे ऊपर और कोई दूसरा फेथ है मेरा, तो वो है। तो उससे आपका पूरा अहंकार पूरा चूर हो जाता है, यू नो देयर इज समबडी अबव मी। और भक्ति का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, आपने किसी भी रिलीजन में देखा होगा, अगर क्रिश्चियन है तो वो बाइबल की वर्सेस को रिसाइट करते हैं, कैरल्सिंग करते हैं। अगर मुस्लिम है तो वो कुरान पढ़ते हैं, और अगर हिंदू है तो वो मंत्रों का जाप करते हैं। तो मंत्र तो हर जगह है, मंत्र क्या है, मैजिकल फॉर्मूला, तो उसको बोलो हिंदुओं का मंत्र या बाइबल की वर्ड या कुरान की पंक्तियां, है तो मंत्र ही हो तभी। और मंत्र का जो मेन एडवांटेज ये है कि फॉर द टाइम यू आर एंचेंटिंग मंत्रास इट डिस्ट्रैक्ट योर अटेंशन कम्प्लीटली, आप बिल्कुल हट जाते हो उसके आप मंत्र से, बिल्कुल आपको मुक्ति मिल जाती है। तो दैट्स व्हाई डिवोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, जिससे कि आप अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। और हर धर्म में जो ये वर्सेस हैं, दीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंटल वॉवल्स, इसको अगर साइंटिफिक दृष्टि से देखा जाए मंत्रों को, तो ये स्वर और शब्दों का जो कॉम्बिनेशन है इनमें हीलिंग पावर्स होते हैं। स्ट्रेस तो कम होता ही है आपका, मंत्र किसी भी रिलीजन में करें तो कोई मतलब नहीं, पर ये जो चीजें जब आप करते हैं तो आपके शरीर में वो स्ट्रेंथ मिलती है, जिससे कि आपको लाइफ में फाइट करने की शक्ति मिलती है। तो जो योगा है वो इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फिलोसफी ऑफ योगा, साइंस ऑफ योगा एंड डिवोशनल योगा। अकेले एक प्राणायाम करने से जीवन सफल नहीं होता है, और खाली बैठ के भक्ति करने से भी जीवन सफल नहीं होगा, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, टॉक्सिन बहुत ज्यादा है, योगाभ्यास तो करना ही पड़ेगा। एटीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लोग आएंगे आपके पास और आपको झकझोर देंगे कई बार, तो तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। और इसी को मतलब एक बहुत बड़ा थीम बना के मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, जिसे बोलते हैं लाइफ एलिवेशन थ्रू इंटीग्रेटेड योगा। आपका जीवन का जो उद्धार होगा वो एकीकृत योगा से होगा, योगा के डिफरेंट एलिमेंट। अब देखिए आज सिचुएशन एक ही, एक वृद्ध आदमी है, वो रोड क्रॉस करना चाहते हैं, बिजी रोड है, 3-4 बार रोड क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, कर ही नहीं पाते। इधर देखते दूसरी तरफ एक सज्जन खड़े हैं, इससे भाई साहब आपने रोड कैसे क्रॉस की, बोले मैंने रोड क्रॉस की, मेरा तो जन्म ही इस तरफ हुआ है। तो जीवन में हमारी स्थिति ऐसी होगी कि वी आर स्टक इन लाइफ विद वन साइड, वी डोंट लुक एट द बिगर पिक्चर। और जब तक हम बिगर पिक्चर नहीं देखेंगे लाइफ में, तब तक लाइफ में वी आर मिसिंग एवरीथिंग। वही हालत होगी कि हम ट्रैफिक में उलझे हुए हैं, दूसरा आदमी हमें उधर दिख रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं। और अगर लाइफ में आदमी को एक सिंपल इजी एंजॉयिंग लाइफ चाहिए, तो ही हैज टू हैव राइट इंग्रेडिएंट्स ऑफ डिवोशनल योगा, फिलोसफी ऑफ योगा और टाइम ऑफ योगा।